अगर आप अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं या आप खुद जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो उसका सिंपल सा तरीका है कि आप छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंसेस बोलने की आदत डालिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलिए, जैसे गो देयर, कम हेयर, सिट डाउन, गेट अप। इस तरीके के अगर आप सेंटेंसेस अपने घर के बच्चों के साथ बोलेंगे या आप खुद बोलेंगे, तो आपकी इंग्लिश बोलने की शुरुआत हो जाएगी और इसके बाद तो इंग्लिश सीखते ही जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही बहुत छोटे छोटे, बहुत यूज़फुल बच्चों के साथ बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस बताऊंगी, उनका मीनिंग बताऊंगी, उनको कहाँ आप कैसे यूज़ कर सकते हो वो सब बताऊंगी। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके बहुत काम का है अगर आपके घर में बच्चे हैं तो, राइट? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बहुत यूज़फुल छोटे छोटे सेंटेंसेस जिनको आपको आपके बच्चों के साथ बोलना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। अगर आप अपने बच्चों की लैंग्वेज में इंग्लिश का फ्लो बनाना चाहते हैं तो उनके साथ आप इस तरीके से बात करना शुरू करिए। सबसे पहले तो जैसे ये वाला, दिस वन, या फिर वो वाला, दैट वन। तो अगर इस तरीके से छोटे छोटे सेंटेंसेस उनकी लैंग्वेज में आ जाएंगे तो वो बच्चे एक तो आपके स्टैंडर्ड साउंड होंगे और आप भी अच्छे स्टैंडर्ड पेरेंट्स लगेंगे। देखिए आगे आप किस तरीके के सेंटेंसेस अपने बच्चों के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसे करो, डू इट, इसे करो, डू इट, या इसे जल्दी करो, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, इसे जल्दी करो या फिर जल्दी करो। और जल्दी करो के लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे हरी अप, हरी अप मतलब जल्दी करो। आगे देखिए, अगर आप अपने बच्चे को बोलना चाहते हैं नहा लो तो आप उसे बोलिए टेक बाथ, टेक बाथ, या फिर जाओ नहा लो, गो एंड टेक बाथ, या फिर जाकर खेलो, गो एंड प्ले, गो एंड प्ले, जाकर खेलो, या फिर बाय बोलो, से गुड बाय, बाय बोलो मतलब से गुड बाय। या हम ऐसा भी बोलते हैं ना कि अंकल को बाय बोल दो, से गुड बाय टू अंकल, से गुड बाय टू आंटी। या आगे देखिए, अक्सर हम अपने बच्चों को खाना खिलाते टाइम इस तरीके का सेंटेंस यूज़ करते हैं ना कि एक निवाला खा लो, एक निवाला खा लो, तो उसे आप बोलते हैं टेक अ बाइट, टेक अ बाइट। या फिर आप सिंपली ऐसा भी बोलेंगे टेस्ट इट, तो इसका मतलब हो जाएगा टेस्ट करो। और अगर आप ऐसा बोलना चाहेंगे एक निवाला खा लो तो आप बोलते हैं टेक अ बाइट। या आगे ऐसे हम बोलते हैं ना एक घूंट पी लो, एक घूंट पी लो, उसे हम बोलते हैं टेक अ सिप, टेक अ सिप। और अगर आप ऐसा बोलना चाहें कि इस जूस का एक घूंट पी लो तो आप बोल सकते हैं टेक अ सिप ऑफ दिस जूस। तो इस तरीके से थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ आप अपने बच्चों की लैंग्वेज को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। आगे देखिए, एक बहुत कॉमन सेंटेंस है जो आप अक्सर अपने बच्चों को बोलते हैं कि अपनी किताबें बैग में रखो, अपनी किताबें बैग में रखो, उसे हम बोलेंगे पुट योर बुक्स इन द बैग, पुट योर बुक्स इन द बैग। नेक्स्ट सेंटेंस, अक्सर अपने बच्चों को आप बोलते हैं ना कभी नहीं, कभी नहीं को हम बोलते हैं नेवर, कभी नहीं, नेवर। नेक्स्ट, आप अपने बच्चों को सफाई के लिए बोलते हैं ना कि इसे साफ करो, इसे साफ करो को बोला जाता है सिंपली क्लीन इट, क्लीन इट, क्लीन दिस टेबल, क्लीन दिस जार। तो क्लीन इट मतलब इसे साफ करो, और क्लीन के बाद आपको जो भी साफ करने के लिए बोलना है आप वो बोल सकते हो। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस अगर आप अपनी लैंग्वेज में ला देंगे तो आपके बच्चे बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे, बिलीव मी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। आप अक्सर अपने बच्चों को बोलते हैं ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर कुछ कोई बच्चा गलती कर दे तो आप बहुत मैच्योरली उस बात को डील करके बोलते हैं कोई बात नहीं, तो उसे आप बोलते हैं नेवर माइंड, नेवर माइंड, या फिर इट्स ओके भी बोला जाता है। आगे नेक्स्ट सेंटेंस, इसे दोहराओ। अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप अक्सर बोलते हैं ना कि इसे दोहराओ, तो उसे आप बोलते हैं रिपीट इट, रिपीट इट, इसे दोहराओ। और आप इसी में थोड़ा चेंज करके ऐसा बोलते हैं ना कभी कभी कि मेरे बात दोहराओ। अगर आप पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को तो अगर आपने बोल दिया कुछ भी ए बी सी डी या फिर जो भी, तो आप बोलते हैं ना मेरे बाद उसे दोहराओ, तो आप बोलेंगे रिपीट आफ्टर मी, रिपीट आफ्टर मी। नेक्स्ट सेंटेंस भी आप अपने बच्चे को पढ़ाई करते टाइम अक्सर यूज़ करते हैं ना कि फिर से कोशिश करो। अगर आपने कोई सम दिया बच्चे को करने के लिए, उसने गलत करके दिया, तो आप बोलते हैं ना फिर से कोशिश करो, तो आप सिंपली उसे बोलिए ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस, उठ जाओ। उठ जाओ को हम इंग्लिश में बोलते हैं गेट अप, उठ जाओ मतलब गेट अप। बच्चा बैठा हुआ है तो उसे उठने के लिए गेट अप बोला जाता है, बट अगर बच्चा सो रहा है तो उसे हम उठ जाओ नहीं बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं जाग जाओ, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वेक अप, वेक अप मतलब जाग जाओ, और गेट अप मतलब उठ जाओ। थोड़ा सा डिफरेंस है पर दोनों ही सेंटेंसेस बहुत इजी हैं, आप अपनी लैंग्वेज में से ला सकते हैं तभी बच्चे सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस जो कि हम कभी कभी यूज़ करते हैं बच्चों के साथ, कि खुश रहो।
खुश रहो को हम इंग्लिश में बोलते हैं बी हैप्पी, बी हैप्पी। नेक्स्ट, आप अक्सर बोलते हैं ना अपने बच्चों को चलो एक गेम खेलते हैं, चलो एक गेम खेलते हैं, इसे इंग्लिश में बोला जाता है लेट्स प्ले अ गेम, लेट्स प्ले अ गेम। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस आप एक बार अपनी लैंग्वेज में यूज़ करके देखिए, बिलीव मी यू विल सी अ मेजर चेंज इन यू। एनीवे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस जो कि है, आप अपने बच्चे को कई बार ऐसा बोलते हैं ना सीधे खड़े रहो, सीधे खड़े रहो, उसे इंग्लिश में बोला जाता है स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल यानी सीधे खड़े रहो। नेक्स्ट, हिलो मत, डोंट मूव, डोंट मूव मतलब हिलो मत। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ऊपर जाओ। तो ये सिचुएशन कब आती है ऊपर जाओ बोलने की, कि जब आप नीचे वाले फ्लोर पर हैं और आप अपने बच्चे को बोल रहे हैं ऊपर जाओ, तो ऊपर वो बिना सीढ़ियों के तो जाएगा नहीं, तो ऊपर जाओ को गो अप नहीं बोला जाता है, गो अप नहीं बोला जाता है, उसे बोला जाता है गो अप स्टेयर्स, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ और अप स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों के ऊपर, तो ऊपर जाओ मतलब गो अप स्टेयर्स यानी सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाओ। और इस बात को कई लोग बोलते हैं गो अप जो कि गलत है, और इसी का ऑपोजिट है नीचे आओ, तो हम इसे बोलते हैं कम डाउन स्टेयर्स, कम डाउन स्टेयर्स यानी सीढ़ियों से नीचे आओ, कम डाउन तो नीचे आओ, ये भी चलता है बट एक्चुअली ग्रामेटिकली बोल सकते हैं ये गलत है। नीचे आओ तो सीढ़ियों से नीचे आओ अगर आप बोलना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब आप यहाँ पे यूज़ करेंगे कम डाउन स्टेयर्स। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, आप अपने बच्चे को बोलते हैं ना इधर देखो, इधर देखो, इसे बोला जाता है लुक हेयर, लुक हेयर यानी इधर देखो। और अगर आप बोलना चाहें मेरी तरफ देखो, तो आप बोलेंगे लुक एट मी, लुक एट मी। नेक्स्ट, इसे लो, टेक इट, इसे लो, टेक इट। और अगर आप इसे बोलना चाहें इसे पकड़ो, तो आप अपने बच्चे को बोलेंगे होल्ड इट, इसे पकड़ो, होल्ड इट। नेक्स्ट सेंटेंस है और कुछ, और कुछ, अगर आप अपने बच्चे को कुछ खाने के लिए ऑफर कर रहे हैं तो आप देने के बाद बोलते हैं ना और कुछ, और कुछ को इंग्लिश में बोला जाता है एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। और अगर आप अपने बच्चे को किसी बात के जवाब में बोलना चाहें कि और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, तो आप बोलेंगे नथिंग एल्स, नथिंग एल्स मतलब और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस जो आप अपने बच्चे के साथ यूज़ करते हैं, वो है ध्यान से। अगर बच्चा कहीं जा रहा है, कहीं दौड़ रहा है, तो आप अपने बच्चे को ऐसे संभाल के बोलते हैं ना ध्यान से, तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है बी केयरफुल, बी केयरफुल। नेक्स्ट, अभी, राइट नाउ, अभी, राइट नाउ। जैसे अगर आप के बच्चे को आप बोलो कि अपना होमवर्क कंप्लीट करो अभी, तो आप बोलोगे डू योर होमवर्क और कंप्लीट योर होमवर्क राइट नाउ, तो अभी को बोला जाता है राइट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। नेक्स्ट, इसे चखो, टेस्ट इट, इसे चखो, टेस्ट इट। नेक्स्ट, मुझे दो, गिव मी, मुझे दो, गिव मी। ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, व्हाट इज दिस। दिखाओ मुझे, शो मी, दिखाओ मुझे, शो मी। नेक्स्ट, आप अपने बच्चे को कई बार ऐसे बोलते हैं ना मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो को बोला जाता है लिसन टू मी, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। नेक्स्ट सेंटेंस, आप बहुत बार बोलते हैं मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ, या आप अपने बच्चे को भी सिखाइए, इसे बोला जाता है आई नो, आई नो मतलब मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ। नेक्स्ट, इसी का ऑपोजिट मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो, आई डोंट नो। नेक्स्ट सेंटेंस, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम या नेवर माइंड या इट्स ओके, ये सब चलता है, बस आपको सिखाने की देरी है। अलग अलग तरीके की लैंग्वेज आप अपने बच्चे के साथ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, आप अपने बच्चे को बोलते हैं ना खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ को बोलते हैं स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। बैठ जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, सिट डाउन। बहुत सिंपल सेंटेंसेस है ये, बट जीरो लेवल पर आपको यही सब सिखाना पड़ेगा, इसे प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, आप अगर अपने बच्चे को बोलना चाहें इसे खाओ, तो आप बोलोगे ईट इट, ईट इट, इसे खाओ, या धीरे चलो, वॉक स्लोली, धीरे चलो, वॉक स्लोली। नेक्स्ट, यहाँ आओ, कम हेयर, यहाँ आओ मतलब कम हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, जब अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो धीरे बोलता है, तो आप बोलते हैं ना जोर से बोलो, जोर से बोलो को बोला जाता है स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली। और नेक्स्ट है इसी के ऑपोजिट, शांत रहो, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट यानी शांत रहो। नेक्स्ट सेंटेंस, अंदर आओ,
कम इन, अंदर आओ, कम इन। नेक्स्ट सेंटेंस आप बोलते हैं ना अपने बच्चे को तैयार हो जाओ, तो उसे आप बोलोगे गेट रेडी, गेट रेडी यानी तैयार हो जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस है कुछ खास, जैसे अगर आपका बच्चा आपको बुला रहा है तो आप बोलते हैं ना कि कुछ खास, यानी कोई खास वजह है क्या मुझे बुलाने की, तो आप उसे सिंपली बोलते हैं टू वर्ड्स में एनीथिंग स्पेशल, एनीथिंग स्पेशल। और नेक्स्ट पीसी की जैसा सेंटेंस है कुछ खास, यानी किसी बात के जवाब में आप बोलते हैं ना कि कुछ खास है रीज़न, कुछ खास, तो उसे आप बोलते हैं समथिंग स्पेशल, समथिंग स्पेशल मतलब कुछ खास। और समथिंग की जगह पे एनीथिंग आ जाता है जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, एनीथिंग स्पेशल यानी कुछ खास। इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों बातों में। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप अपने बच्चे को कई बार बोलते हैं रो मत, रो मत को बोला जाता है डोंट क्राई, डोंट क्राई। और नेक्स्ट है चिल्लाओ मत, डोंट शाउट, डोंट शाउट। नेक्स्ट आप अपने बच्चे को बहुत बार, दिस इज़ द मोस्ट यूज सेंटेंस बाय पेरेंट्स, जो कि है जाकर पढ़ाई करो, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं गो एंड स्टडी, गो एंड स्टडी, जाकर पढ़ाई करो। नेक्स्ट सब्र करो, हैव पेशेंस, सब्र करो, हैव पेशेंस। नेक्स्ट है कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। ये बहुत मोटिवेटिंग सेंटेंस है जो कि आपके बच्चे को बोलते रहना चाहिए, नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा विश्वास करो, बिलीव मी, बिलीव मी मतलब मेरा विश्वास करो। और बहुत बार आप अपने बच्चे से तंग हो के ऐसा बोलते हैं ना चुप रहो, तो उसे बोला जाता है शट अप, चुप रहो मतलब शट अप। नेक्स्ट लिख लो, राइट डाउन, लिख लो, राइट डाउन। और अगर आप ऐसा बोलना चाहें कि इसे लिख लो, तो आप बोलते हैं राइट इट डाउन, राइट इट डाउन मतलब इसे लिख लो। नेक्स्ट सेंटेंस बहुत बार बच्चों को ये बोला जाता है झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो को बोला जाता है डोंट फाइट, डोंट फाइट। कूदो मत, डोंट जंप, डोंट जंप मतलब कूदो मत। तुम गिर जाओगे, यू विल फॉल डाउन, यू विल फॉल डाउन, तुम गिर जाओगे। नेक्स्ट सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज होने वाला सेंटेंस है कि आपको पता है, डू यू नो, जैसे आप अपने बच्चे को बोलते हैं ना आपको पता है कि कल आपके फ्रेंड का बर्थडे है, तो आप बोलते हैं डू यू नो कल आपके फ्रेंड का बर्थडे है, तो डू यू नो मतलब आपको पता है, यानी क्या आपको पता है। नेक्स्ट ढंग से पेश आओ, दिस इज़ द मोस्ट मोस्ट यूज सेंटेंस जो आप अपने बच्चे को बोलते हैं, ढंग से पेश आओ, बिहेव प्रॉपरली, बिहेव प्रॉपरली या फिर बिहेव योरसेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस एक तरफ हट जाओ या फिर एक ओर हट जाओ, उसे इंग्लिश में बोला जाता है मूव असाइड, मूव असाइड। जैसे आप ट्रेन में बैठे हैं, आपका बच्चा बीच में खड़ा है, तो आप अपने बच्चे को साइड करते हैं ना, से मूव असाइड यानी साइड हो जाओ, कोई आ रहा है तो। इस तरीके से यूज़ होता है सेंटेंस, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट इसी में थोड़ा सा चेंज करके हम ऐसा बोलते हैं ना थोड़ा हटो, थोड़ा हटो को बोला जाता है मूव अ बिट, मूव अ बिट यानी थोड़ा हटो। नेक्स्ट सेंटेंस समझा करो, प्लीज़ अंडरस्टैंड, प्लीज़ अंडरस्टैंड यानी समझा करो। नेक्स्ट सेंटेंस भूलना मत, डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट मतलब भूलना मत। नेक्स्ट मैं भूल गया, आई फॉरगॉट, मैं भूल गया मतलब आई फॉरगॉट। नेक्स्ट सेंटेंस है शर्माओ मत, डोंट बी शाय, डोंट बी शाय मतलब शर्माओ मत। और नेक्स्ट सेंटेंस है कि आप अपने बच्चे को थोड़ा इंगेज करने के लिए, एक्टिविटी सिखाने के लिए, कई बार आप खाना खाने से पहले अपने बच्चे को बोलते हैं ना जाके टेबल लगा दो, टेबल लगा दो को बोला जाता है सेट द टेबल, सेट द टेबल यानी टेबल लगा दो। नेक्स्ट सेंटेंस आप अपने बच्चे की किसी अच्छी बात को अप्रिशिएट करने के लिए बोलते हैं ना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा को बोला जाता है वेरी गुड, बहुत बहुत कॉमन है, आप ऑलरेडी से यूज़ करते होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस जो कि सब माएँ यूज़ करती हैं बहुत ज़्यादा, कि जाओ जाके सो जाओ, सो जाओ को बोला जाता है गो टू बेड, गो टू बेड। नेक्स्ट मुझे बताओ, टेल मी, मुझे बताओ, टेल मी। उन्हें सही ढंग से रखो, उन्हें सही ढंग से रखो को बोला जाता है, नेक्स्ट सेंटेंस है उन्हें सही ढंग से रखो, उन्हें सही ढंग से रखो को बोला जाता है पुट देम इन करेक्टली, पुट देम इन करेक्टली यानी उन्हें सही ढंग से रखो। नेक्स्ट सेंटेंस अपनी नाक साफ करो, अपनी नाक साफ करो को बोला जाता है क्लीन योर नोज, क्लीन योर नोज। नेक्स्ट सेंटेंस ये आसान है, दिस इज ईजी, ये आसान है, दिस इज़ ईजी। नेक्स्ट सेंटेंस अगर आपने अपने बच्चे को कुछ करके दिखाया और अगर आप ऐसा बोलना चाहो कि अब तुम कोशिश करो, तो उसे आप सिंपली बोलते हैं नाओ यू ट्राई, नाओ यू ट्राई यानी अब तुम कोशिश करो। नेक्स्ट सेंटेंस है वापस जाओ, गो बैक, वापस जाओ, गो बैक। नेक्स्ट आप बहुत गंदे हो, यू आर वेरी बैड, यू आर वेरी बैड यानी आप बहुत गंदे हो। नेक्स्ट आप बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी गुड,
यू आर वेरी गुड और यू आर वेरी नाइस, आप बहुत अच्छे हो. नेक्स्ट, मेरे हाथ गंदे हैं. माई हैंड्स आर डर्टी. माई हैंड्स आर डर्टी, मेरे हाथ गंदे हैं. नेक्स्ट, मुझे प्यास लगी है. आई एम थर्स्टी. आई एम थर्स्टी, मुझे प्यास लगी है. नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे भूख लगी है. आई एम हंग्री. आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है. नेक्स्ट, मैं आपसे गुस्सा हूँ. आई एम एंग्री विद यू. आई एम एंग्री विद यू, यानी मैं आपसे गुस्सा हूँ. नेक्स्ट, फिर हम खेलेंगे. कुछ काम करने के बाद आप अपने बच्चों को बोलते हैं ना कि ये कंप्लीट कर लो, फटाफट से अपना होमवर्क करो, फिर हम खेलेंगे. तो फिर हम खेलेंगे को बोला जाता है देन वी विल प्ले. देन वी विल प्ले. नेक्स्ट, झूठ मत बोलो. डोंट लाई. डोंट लाई, झूठ मत बोलो. नेक्स्ट, आपने क्या खाया. वॉट डिड यू ईट. वॉट डिड यू ईट, आपने क्या खाया. नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे परेशान मत करो. डोंट डिस्टर्ब मी. डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो. और सिंपली इसको ऐसा भी बोला जाता है डोंट अनॉय मी. डोंट अनॉय मी, मुझे परेशान मत करो. नेक्स्ट, आलसी मत बनो. डोंट बी लेजी. डोंट बी लेजी, आप कई बार अपने बच्चे को बोलते हैं ना कि करो इसे फटाफट, आलसी मत बनो. डू इट फास्ट. डोंट बी लेजी. डोंट बी लेजी मतलब आलसी मत बनो. नेक्स्ट, आप चुप क्यों हैं. वाई आर यू साइलेंट. वाई आर यू साइलेंट, यानी आप चुप क्यों हैं. नेक्स्ट, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं. वाई आर यू नॉट आंसरिंग. कई बार आप अपने बच्चे को गुस्सा होकर बोलते हो, जैसे अगर आप चिल्ला रहे हो तो वो जवाब नहीं देता है किसी बात को लेकर, तो आप बोलते हैं ना आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं. तो आप इंग्लिश में बोलते हैं वाई आर यू नॉट आंसरिंग. वाई आर यू नॉट आंसरिंग, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप बीमार हो. आर यू सिक. आर यू सिक. नेक्स्ट सेंटेंस है, चोट कैसे लगी. चोट कैसे लगी मतलब हाउ डिड यू गेट हर्ट. हाउ डिड यू गेट हर्ट, यानी चोट कैसे लगी. नेक्स्ट सेंटेंस, ठंडा पानी मत पियो. डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर. डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर, यानी ठंडा पानी मत पियो. नेक्स्ट सेंटेंस, आइसक्रीम मत खाओ. डोंट ईट आइसक्रीम. डोंट ईट आइसक्रीम, यानी आइसक्रीम मत खाओ. नेक्स्ट, मेरा हाथ पकड़ो. होल्ड माई हैंड. होल्ड माई हैंड मतलब मेरा हाथ पकड़ो. नेक्स्ट सेंटेंस है, बाहर मत खेलो. डोंट प्ले आउटसाइड. डोंट प्ले आउटसाइड, यानी बाहर मत खेलो. अब मैं आपको बताने वाली हूँ लास्ट सेंटेंस आज का, जो कि मोस्टली मदर्स का फेवरेट सेंटेंस होता है, जो कि है बाहर मत खेलो. बाहर मत खेलो मतलब डोंट प्ले आउटसाइड. तो ये बहुत ईजी सेंटेंसेस है, आप इन्हें अपनी प्रैक्टिस में लाइए, अपने बच्चों के साथ इन्हें यूज़ करिए. इन्हें यूज़ करते करते आप एज अ पेरेंट बहुत स्टैंडर्ड लगेंगे, आपके बच्चे बहुत स्टैंडर्ड लगेंगे, और आपके बच्चों की इंग्लिश की शुरुआत तो हो ही जाएगी. ओके, तो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं. वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा. ओके, सो इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है. मुझे लगता है जो सेंटेंसेज, जो छोटे छोटे टू वर्ड्स के सेंटेंसेज मैंने आपको बताए, अगर आप उनको अपने बच्चों के साथ बोलोगे तो वो काफ़ी जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे, उनको छोटी छोटी बातें समझ में आने लगेंगी. तो ये वीडियो आपको काम का तो डेफिनेटली लगा होगा. तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने जानने वालों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा. हो सके तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप इसे चला दीजिए, जिनको ज़रूरत होगी उनके पास ये वीडियो पहुंच ही जाएगा. तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा. और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सीखना चाहते हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब करिएगा इंग्लिश सीखने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत यूज़फुल कॉन्टेंट अपलोड होता है जो इंग्लिश सीखने में आपको मदद डेफिनेटली करेगा. ओके, तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं. मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग.